नमस्कार दोस्तों, आप सभी सहारा इंडिया निवेशकों एवं जमाकर्ताओं व कार्यकर्ताओं का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नई वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन विद पीके पर। मैं हूं पिंकू कुमार प्रजापत और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद पीके। हमारे जितने भी सहारा के जमाकर्ता बंधु हैं और कार्यकर्ता बंधु हैं, सभी लोग अपने पैसे को लेकर व अपने रोजगार को लेकर काफ़ी परेशान हैं। तो दोस्तों, उनके लिए जो सहारा मुख्यालय की तरफ से या कहले सहारा प्रबंधन की तरफ से जो एक पत्र जारी किया गया है, काफ़ी अच्छा पत्र है। उसकी क्या डिटेल है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को दिखाई जाएगी और बताई जाएगी। दोस्तों, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, रजिस्टर कार्यालय सहारा भवन एक, कपूरथला कॉम्प्लेक्स, अलीगंज, लखनऊ, ये इसका एड्रेस है पत्र का। वहाँ से ये पत्र जारी किया गया है। क्या इसकी पूरी डिटेल है, उसकी जानकारी अभी इस वीडियो में दी जाएगी। और दोस्तों, जिनके पास डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज भेजा गया था, छोटी छोटी कमियों को निकाल कर, आप लोगों ने सहारा रिफंड पोर्टल पर अपना आवेदन किया था, क्लेम भी किया होगा लोगों ने, उसी के विषयांतर्गत है ये वीडियो। पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आप सभी को दिखाएंगे और बताएंगे। जो भी निवेशक बंधु परेशान है अपने पैसे को लेकर, हमने बताया था कि अप्रैल का जो महीना स्टार्ट होगा उसमें बहुत कुछ नया होने वाला है, काफ़ी नए मामले की सुनवाई होगी और इधर चुनावी माहौल है तो कुछ ना कुछ नया बदलाव जरूर होगा। तो उसी के तहत जो सहारा प्रबंधन की ओर से एक लेटर जारी किया गया है, उसकी जानकारी को हम दिखाने के लिए इस वीडियो में आए हुए थे। तो दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं और साथ ही साथ एक बात और बताते हैं। इसका वीडियो एक हमने दोपहर में भी बनाया था, लेकिन उसके अंतर्गत बहुत से हमारे पास कमेंट आए हुए थे, उनकी जानकारी अभी दूंगा। तो चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हों तो चैनल को अवश्य जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुंच सके। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपका समय न वेस्ट करते हुए सीधे वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्योंकि पोर्टल भी फैल हो चुका है, पोर्टल के माध्यम से भुगतान मिलना भी संभव है। इधर आचार संहिता भी लग चुकी है, इसलिए हम लोगों का भुगतान नहीं मिल पा रहा है। खैर, अपने टॉपिक पर चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, हम आपका समय इन्वेस्ट करते हुए सहारा मुख्यालय अपने टॉपिक पर चलते हैं। सहारा प्रबंधन की तरफ से एक वीडियो को लेटर जारी किया गया है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आइए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। सहारा मुख्यालय की तरफ से या कह लें सहारा प्रबंधन की तरफ से, सहारा हेडक्वार्टर की तरफ से जो पत्र जारी किया गया है, उसमें क्या कुछ है पूरी डिटेल आप सभी को दिखा दें, उसकी पूरी जानकारी आप सभी को हम बता दें। तो आइए जानते हैं क्या लिखा हुआ है। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, रजिस्टर कार्यालय सहारा भवन वन यानी कि एक, सहारा भवन एक, कपूरथला कॉम्प्लेक्स, अलीगंज, लखनऊ 226024, ये इसका पिन कोड है। ईमेल आईडी भी दी गई है, लेकिन ईमेल आईडी नहीं आपको जो है अवगत कराएंगे। समस्त अधिकृत केंद्र हेतु 30 मार्च 2024 समस्त अधिकृत केंद्र हेतु, ये जो पत्र जारी किया गया है, ये 30 मार्च 2024 को ये पत्र जो है जारी किया गया है, यानी कि कल की डेट में। हमने कल ही वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था, लेकिन हमारी बात सत्य हो गई, जो लोगों ने सुना होगा उनको मालूम होगा दोस्तों। तो 30 तारीख को ये हम लोगों के लिए पत्र जारी किया गया है, समस्त अधिकृत केंद्र हेतु। अब जो है इसमें लिखा हुआ है विषय, मेन टॉपिक तो यही होता है, जो विषय होता है सब्जेक्ट। अब विषय के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, सी आर सी एस के पोर्टल पर सम्मानित सदस्य जमाकर्ता द्वारा भुगतान संबंधी अपलोड किए जा रहे प्रपत्रों में पाई जाने वाली त्रुटियों के संबंध में जिन लोगों ने पोर्टल पर अप्लाई किया था, 90% लोगों के पास डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज भेजा गया था।
साफ साफ लिखा हुआ है, सभी लोग जानते हैं, CRCS के पोर्टल पर सम्मानित सदस्य जमाकर्ता द्वारा भुगतान संबंधी अपलोड किए जा रहे प्रपत्रों में अनेक प्रकार की छोटी छोटी त्रुटियों के संबंध में जिन लोगों ने पोर्टल पर अपना रिसबमिशन किया था, और हो सकता है लगभग 90% लोगों का इसके द्वारा बताया जा रहा है कि आवेदन रिजेक्ट भी किया गया हो, उसी के संक्षेप में ये पत्र है। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। महोदया, यहाँ से मेन टॉपिक है महोदया, उपरोक्त विषयांतर्गत यानी कि जो ऊपर विषय लिखा हुआ उसी के अंतर्गत बताया जा रहा है, अवगत कराना है सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज CRCS द्वारा शुरू किए गए रिफंड पोर्टल पर जिन कारणों से रिजेक्शन की स्थिति बन रही है, जो हम लोगों ने आवेदन किया था उस पर सहारा रिफंड पोर्टल पर, और जो रिजेक्शन की स्थिति बन रही थी, किस कारण से रिजेक्शन की स्थिति बन रही थी समझिएगा, उनकी एक सूची तैयार की गई है जिन लोगों की जो है रिजेक्शन हो गया था, रिजेक्ट हो गया था CRCS के द्वारा, डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज भेजा गया था, जिनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया था, उनकी एक सूची तैयार की गई है, उसमें रिजेक्शनों के कारणों का उल्लेख किया गया है, साथ ही रिजेक्शन से बचने हेतु क्या सावधानियां बरती जाएं उसकी भी एक सूची संलग्न कराई जाएगी, ये इसमें लिखा हुआ है। साथ ही जो हम लोगों का रिजेक्ट हो गया था कारण, उनसे बचने के लिए क्या सावधानियां बरती जाएं उसकी भी एक सूची संलग्न है, इतना ये इसका विषय के अंतर्गत लिखा हुआ है जो सहारा प्रबंधन की तरफ से लेटर जारी किया गया है। तो दोस्तों, इससे ये लग रहा है कि इसमें ये बताया जा रहा है जिन लोगों का भी आवेदन रिजेक्शन की ओर था, रिजेक्ट कर दिया गया था, डेफिशिएंसी कम्युनिकेटर का मैसेज भेजा गया था, उनका जो है जल्द ही उल्लेख किया जाएगा, मतलब उनके बारे में कुछ न कुछ जल्द से जल्द सुनवाई की जाएगी, ये लिख कर आ रहा है। और ये कहाँ से पूरा है हमने बता ही दिया है, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड रजिस्ट्रार कार्यालय सहारा भवन 1 कपूरथला कॉम्प्लेक्स अलीगंज लखनऊ, ये इसका एड्रेस है। और ये सभी समस्त अधिकृत केंद्र हेतु है, CRCS के द्वारा ये जो है हम लोगों के जो आवेदन रिजेक्ट किए गए था उसी के संदर्भ में ये जो पत्र जारी किया गया है। तो दोस्तों, हमने कल ही आपको बताया था कि कुछ ना कुछ नया होने वाला है, और आज जो 31 तारीख है, मार्च महीने का लास्ट दिन है, और अप्रैल में सहारा इंडिया भुगतान के मामले में कई जो उलझे हुए केस हैं, मामले हैं, उनकी सुनवाई होने वाली है, लगभग 4-5 मामलों की सुनवाई अप्रैल मंथ में होने वाली है। तो दोस्तों, ये हमने जो आज का वीडियो है बता दिया कि जो पत्र जारी किया गया उसकी जानकारी आपको कैसी लगी, और भुगतान की प्रक्रिया में सुलभता आप सभी को कुछ न कुछ दिनों के बाद ज़रूर दिखाई पड़ेगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वीडियो पसंद आई हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, जय जवान, जय किसान।